इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हिंदुस्तान में पहल करने वालों में महाराष्ट्र सबसे आगे रहा है। और ये एक थोड़ा सा सीरियस इल्ज़ाम मैं इंडियन पॉलिटिकल क्लास पे लगाना चाहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर में काम करना हिंदुस्तान में कितना मुश्किल है, और उसके बाद ये न समझना और लोगों को एजुकेट न करना कि ये कितना गंभीर और ज़रूरी काम है, इसमें सर पूरे पॉलिटिकल क्लास का फेलोर भी है। नहीं, मेरा थिंकिंग इससे दूसरा है कि अभी समझो किसी कंट्री को, देश को आगे जाना हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज मुंबई एयरपोर्ट है, मुंबई एयरपोर्ट देश का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आज इसकी साइज बढ़ाना, इसमें आज जो एक हवाई जहाज लैंड हो सकता है या टेक ऑफ कर सकता है, इसमें बढ़ोतरी करना, ज़्यादा फैसिलिटीज देना, इसकी आवश्यकता है। मुंबई एक मेजर इंटरनेशनल शहर है, मुंबई देश का इकोनॉमिक सेंटर है, और इकोनॉमिक सेंटर में इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इसकी आवश्यकता है। और ये आवश्यकता पूरी करने के लिए कुछ कदम उठाए गए तो इसके रास्ते में रुकावट आना ठीक नहीं होगा। कुछ गलती होगी तो वहाँ रुकनी चाहिए, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वैसे ही आप देखिए अभी महाराष्ट्र में एक दो जगह पर फोर्ड बनाने की बात है। सागरी किनारा है तो सागरी किनारे में इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए फोर्ड की आवश्यकता है। तो देश में कुछ फोर्ड हो जाएंगे, हवाई जहाज हो जाएंगे, बड़े हाईवेज हो जाएंगे, इसका लाभ देशवासियों का है, देश की इकोनॉमी का है। और इसलिए चाहे हाईवेज हो, चाहे फोर्ट हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे इरिगेशन प्रोजेक्ट हो, चाहे जनरेशन ऑफ पावर की सेंटर हो, इसकी आज देश में आवश्यकता है। और उसके रास्ते में रुकावट रहना ठीक नहीं।